azar. पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि सदारती खुतबा भी उनका था और सदारत भी उन्हीं की थी। वसीम साहब बड़े हैं मुझसे और मैं उनका दिल से एहतराम करता हूं। मैं दिल से उनका एहतराम करता हूं और एहतराम करके खुद को बड़ा करता हूं। आदमी जब किसी का एहतराम करता है, अदब करता है, तो उसे भी खुद को बड़ा करता है, तो खुद को बड़ा करने का एक तरीका। भोपाल के बारे में मैं अगर कुछ कहूँगा तो वो शायद ऐसा ही होगा जैसे नानी के आगे ननिहाल की बात की जाए। आप सब वाकिफ हैं, भोपाल ने उर्दू अदब पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है और वो है नुस्खा हमीदिया। नुस्खा हमीदिया जिसने पहली बार ये जुमला लिखा गया अब्दुल रहमान बिजनौरी की तरफ से, जो ऐसा भी आपको खास तौर से इतला देना चाहता हूँ। वैसे आपको मालूम ही होगा, आप लोग तो भूले नहीं होंगे, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूँ, आप ही का सरमाया आपको याद दिला रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की दो इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुकद्दस, एक दीवान खाने। ये जुमला उस दीवान में लिखा गया था जिसका जिक्र मैंने अभी किया, यानी नुस्खा हमीदिया। दूसरी बात, अल्लामा इकबाल भोपाल उस जगह का नाम है। मैंने कल सुबह इफ्तिताही इजलास में अर्ज किया था कि तहजीब तारीख तो हर शहर की होती है, लेकिन कुछ शहर ऐसे होते हैं जो तहजीबी तारीख के मालिक होते हैं। ये शहर तहजीबी तारीख का मालिक है और तरक्की का आलम यह देखिए कि अल्लामा इकबाल अपना इलाज करवाने के लिए इस शहर में आए थे, एक बार नहीं दो बार, और यहाँ के शीश महल में बैठकर उन्होंने जो नज़्मुल ज़र्ब-ए-करीम शामिल है। भोपाल का जब जिक्र आता है तो और भी कई नाम आते हैं, उनकी तफसील में तो मैं जाऊँगा नहीं और जाने का मौका भी नहीं, तो कभी चौबे साहब गाएंगे तो कभी उस पर गुफ्तगू की जाएगी। सुबह आपने, कल सुबह आपने फरमाया था कि ये ज़बानों का कुंभ है जिसमें बहुत सारी ज़बानें आके जमा हो गई हैं, बहुत सारे राइटर आके जमा हो गए हैं। आज के इस मुशायरे को देखकर अगर मुझे आप ये कहने की इजाज़त दे दें कि मैं ये कहूँ कि आज का मुशायरा शामिल होने के बाद ये ज़मीन और ये जगह हज की तरह हो गई है, जिसमें एक नहीं कई मुल्कों के लोग जमा हो गए। विश्व रंग इस बात की जमानत है कि एक संस्कृत का लफ्ज है, एक फारसी का लफ्ज है, इसलिए ये भी साबित होता है कि दो जबानों का नहीं, दो तहजीबों का। हजरत, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मैं तो टेल एंडर हूं, मुझे तो कुछ करना धरना है नहीं, सब कुछ काम दोस्तों ने कर लिया है। मुझ पर कोई जिम्मेदारी सिर्फ ये बनती है कि सदर हो बना दिया गया हूँ सौबे साहब की तरफ से, और वसीम भाई सदारत उन्हीं की थी, मैंने तो अपनी तरफ से उन्हें सदारत मान लिया। निज़ामत का काम भी वो कर रहे हैं तो मेरा तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन अब जब मैं यहाँ हाजिर हूँ तो कुछ शेर आपके खिदमत में पेश करने की साजिश हूँ ये रहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहले मेरे भाई इकबाल साहब ने बहुत अच्छी नज़्म पढ़ी थी, वो एक खास मकसद की नज़्म थी। अब एक नज़्म का पहलू ये भी देखिए, मैंने इकबाल का जिक्र किया तो वो नज़्म का एक दौर था, एक नज़्म का ये भी दौर है। और देखिए एक नज़्म इस तरह भी कही जा सकती है, मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। मुलाहिज़ा करें कि बहार में फूल खिजा में पत्ते, बहार में फूल खिजा में पत्ते। खिजा एक बात कहना भूल गया, मैं शायरी को ही नहीं तमाम फनून को, तमाम कलाओं को इशारे का आर्ट मानता हूँ। बताना नहीं छिपाना आर्ट है, बताने में क्या है सभी को पता है, हुनर तो छिपाने में है, आप छिपाते हुए कितना बता सकते हैं। अब मुलाहिज़ा करें कि बहार में फूल
फिजा में पढ़ते हैं। सारा माहौल ध्यान में रखें, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर में धूप फिजा में पढ़ते हैं, मौसम कोई भी हो पेड़ को तो कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। बाहर में फूल फिजा में पत्ते हैं, मौसम खोली भी हो पेड़ को तो कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। और एक बहुत ही मुख्तसर नज़्म जो शायद किसी हवाले से आपको पहुंचती हो, पर ये वाकई आपकी तवज्जो की तालिब है। सिर्फ छोटे छोटे तीन टुकड़े हैं, मुलाहिज़ा कर लें। आदमी जब मैं बोलता है तो उसका पूरा ईगो, उसका पूरा अस्तित्व, उसका पूरी अस्मिता बोलती है। और ये फंक्शन पूरा एक ऐसा ही आदमी कर सकता है जो खुद शायरी का मन नहीं, शायरी का दिल नहीं, खुद शायर सरापा हो। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। मुलाहिज़ा करें कि मैं एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ तुम भी हो, लफ्ज क्यों ना हो जाए। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, लफ्ज क्यों ना हो जाए। एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ तुम भी हो, लफ्ज क्यों ना हो जाए। एक और छोटी सी नज़्म, जब आप सुन रहे हैं तो लगा कर अपना माल भी ठिकाने लगाया जा सकता है। जी जी, ये मेरी कामयाबी है कि स्टेज सपोर्ट नहीं करता शायरों को। मैं खुशकिस्मत हूँ कि बड़े से लेके छोटे तक स्टेज मुझे सपोर्ट मिला। ऐसा करके नज़्म देखें और देखें कि इस नज़्म को यूं भी पढ़ा जा सकता है। लोग कहते हैं ना कि जदीद नज़्में वगैरह पढ़ी नहीं जा सकती, सुनती सुनाई नहीं जा सकती। आप सुनती रहे और देखिए पढ़ी भी जा ही रही है। मुलाहिज़ा करें, पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है, पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है, नदी के सामने नक्शा कहाँ है। पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है, नदी के सामने नक्शा कहाँ है, नदी के सामने नक्शा नदी के सामने पहुंच गया। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं मुझे ये मुझे मालूम ये होता नहीं है। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं मुझे मालूम ये होता नहीं है, जब तक वो देख न ले। वाह, कैसा लगता हूँ भेद खुलता नहीं है जब तक वो देख न ले। माफ कीजिए एक बार फिर सुन लीजिए, बीच में नज़्म खत्म जाऊंगी आप खुद समझ लेंगे। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूँ मुझे मालूम ये होता नहीं है, जब तक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं मुझे मालूम ये होता नहीं है, जब तक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं। क्या बात, अब से लफ्ज बनने की बात है साहब। अब आपसे गजल के दो तीन शेर मुलाहिज़ा करना पड़ते हैं। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। वाह, खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद,
वसीम साहब का हुक्म था एक छोटी सी नज़्म और फिर उसके बाद एक गज़ल के बाद इजाज़त दे दीजिए, बस एक नज़्म सुनिए। और ये सामने का मुशाहिदा है लेकिन हम देखते नहीं। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए तुमसे बिछड़े, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने, जाने कितने समझौतों के दाग लगे रूह पे मेरी, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने, जाने कितने समझौतों के दाग लगे रूह पे मेरी, जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। तुमने ठीक कहा था, यहां से एस्केप देखे बुरे से, तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है, तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है, और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है, और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता। अभी गजल का मतलब देखें कि बेखबर की कहीं खबर रखते हैं, बेखबर की कहीं खबर रखते हैं, हासिले जहमते सफर रख, हासिले जहमते सफर रख। शेर सुने, अब चले गए जिनको सुनाना था लेकिन आपके हवाले से उन तक पहुंचा दीजिए तो क्या बुरा है। कि विकास 100 साल अभी बंबई में जो हुआ, 500 साल का पेड़ काट के 5 दिन का एक पौधा लगा रहे हैं, चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, राह में एक तो शजर रख दे, राह में एक तो शजर रख दे, और गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे, गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे, और कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। और ये शेर खासतौर से मुलाहजा करें, हम सभी के लिए, मेरे लिए भी, हम सभी के लिए। तू अकेला है बंद है कमरा, तू अकेला है बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे, तू अकेला है, वाह वाह वाह, तू अकेला है बंद है कमरा, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे, तू अकेला है बंद है कमरा, अब तो चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वाह वाह वाह।